हे गाइस, मैं अविनाश एक बार फिर से आप सभी का पूरे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना ब्लॉगिंग चैनल अभी ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं गांधी सेतु पुल, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो भी नव निर्मित, जो अभी शुरू नहीं हुआ है इस पे परिचालन, लेकिन जल्द ही शुरू होने वाला है। आज मैं इसका पूरा ब्लॉग आपको देने वाला हूँ। Your demons drag me close to hell. I can feel that. तो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग नव निर्मित पुल पे हैं और आप जो पीछे ये देख सकते हैं, ये अभी लाइन चालू है, ये पूर्वी लाइन है और ये अभी जो बनकर तैयार हुई है वो है पश्चिमी लाइन। तो गाइस, आप देख सकते हो इस पुल का अभी नज़ारा, मैं आपको और आगे तक अभी लेके चलूंगा और पूरा सिनेमैटिक शॉट दिखाऊंगा इसका, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो गाइस, मैं इस पुल के इतिहास के बारे में बात करूं, इसका उद्घाटन किया गया था मई 1982 ईस्वी में, उस समय के मतलब भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था मई 1982 ईस्वी। तो गाइस, अगर आपको मज़ा आ रहा है ब्लॉग देखने में, तो प्लीज़ अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप लोग बिना लाइक किए चले जाते हैं, व्यूज़ तो आ जाते हैं पर लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी लगभग 10 दिन का काम और बाकी है, लेकिन मौसम के हालात के चलते अभी काम और देरी से चल रहा है, वरना जिस समय मैं आज शूट कर रहा हूँ उस समय तक इसका उद्घाटन हो जाना चाहिए था। उद्घाटन की बात आए तो इस पे बात अभी भी अटकी हुई है, जो इसका उद्घाटन कौन करेगा, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री या हमारे भारत के प्रधानमंत्री, वो तो आने वाला समय आपको बताएगा। तो मैं दिखाया, अभी बहुत सा फिनिशिंग का काम बाकी है, जिस वजह से मैं और अंदर तक तो नहीं जा पाया, लेकिन मैं आपको यहाँ कैसे काम हो रहा है, अभी कितना दिन और बाकी है, वो सारा सब कुछ बताया है। और यहाँ हम लोग को परमिशन मिला, आप देख सकते हैं पीछे वहाँ स्टाफ रूम है, वहाँ से हम लोगों ने परमिशन लिया है। अभी फिलहाल सबको जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आपको घर बैठे बैठे आप यहाँ से देख सकते हो इसका काम कितना अच्छा लग रहा है, ये इसका व्यू आप देख सकते हो आने वाले समय में कितना अच्छा रहेगा। और हमारा जो अब सफ़र है, जैसे आप पीछे यहाँ देख सकते हो कितना जाम लगा रहता है, उससे छुटकारा मिलेगा तब जब ये इसका दूसरा लाइन भी बनकर तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में जरूर बताइए आप लोग और क्या क्या देखना चाहते हैं। फिलहाल मैं आपके लिए अभी पटना का पूरा सीरीज ही लेके आने वाला हूँ, क्योंकि इस चैनल पर मैं पहली बार पटना का ब्लॉग आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिएगा और मैं इसी तरह आपको आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।